ये बताइए आपके अंदर ईमान है क्या? आपसे आपका ईमान कोई छीन सकता है? आपसे आपका ईमान कोई छीन सकता है? आपसे क्या कोई मॉब लिंचिंग करके आपके रिजर्वेशन को हड़प करके किसी को धमका के चमका के ये बोला जाए कि जय श्री राम बोलो तो मैं नहीं समझता कि राम जी को भी खुशी होगा। कोई किसी को धमका के डरा के नहीं होता है कि किसी को मना ले हम, और बोलने से क्या कोई हिंदू हो जाएगा, कोई मुस्लिम हो जाएगा? क्या कितनी नीची सोच है। और किसी मजहब में सिखाया जाता है कि किसी को तुम अल्लाह अकबर बोल के मुसलमान बना दो और सस्ती अकल बोल के उसको सरदार बना दो, सिख बना दो, ऐसे मैं नहीं समझता। ये जाहिलियत है, पूरी जाहिलियत है। राम बोलो, क्या ये लोग वाकई राम जी के मानने वाले हैं, भक्त हैं? देखिए धर्म से हूँ जी, और इसके शुरुआत के कारण हम ये बोलना चाहते हैं, जो हम लोग का जो धर्म है, जो सब धर्म को मानने के लिए जो हिंदू धर्म है, जैसे हम लोग को गौतम बुद्ध ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, तो हम लोग अहिंसा के धर्म, अहिंसा को हम लोग पसंद करते हैं, हिंसा को पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हम लोग धर्म के आदमी लोग जो हम लोग रहते हैं, हम लोग सब भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। आप एक बात हम कहना चाहते हैं, जब भी हम लोग को किसी जगह में हम लोग को खून का जरूरत होते हैं तब हम लोग कभी किसी से पूछते नहीं जाए मुसलमान का खून है या सिख का या हिंदू का या ये है। ये जो कुछ जो आदमी जो है धर्म का ठेका लेके रखे हुए हैं और राम के नाम से जो बदनाम करने वाले हैं, ये लोग राम का भक्त कभी नहीं हो सकता। राम कभी सिखाया नहीं है हम लोगों को जो किसी धर्म के ऊपर में आघात करो, किसी मनुष्य के ऊपर में आघात करो। हम समझते कर्म ही धर्म है, धर्म ही। अखलाक साहब, अखलाक अहमद से मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी परसों तबरेज अंसारी पे खत्म हुआ, क्या लगता है कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा इसी तरह या कहीं इसका एंडिंग भी है? देखिए सेंट्रल में जो हुकूमत बैठी हुई है उसको बहुत सही से सोचना पड़ेगा कि इंसान का जान का क्या कीमत है। अगर वो सिर्फ चार दिन वाकया होने के बाद, चार दिन के बाद वो संसद में खड़ा होकर ये बोलते हैं मैं निंदा करता हूँ, तो निंदा करने से नहीं होगा, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा और जो आरोपी है उनको सजा देना पड़ेगा। बांग्ला बोलो देखो ये दीवानो, ये काम ना करो, राम का नाम को बदनाम ना करो। राम जो थे, राम जिनी छिले उन्हीं कोनो देवतार मध्ये पड़ेन ना, उन्हीं एक महत्वपूर्ण छिले। रामेर बार्ता छिलो सब समय शांति, तेमन इस्लामेरो बार्ता आछे शांति राखो। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি শুধু ভারতবর্ষ না, ভারতবর্ষে আমাদের এই রাজ্য, কি কিছু কয়েকটি রাজনৈতিক দল ধর্ম নিয়ে যেভাবে মানুষের মধ্যে বিদাভেদ তৈরি করে দিচ্ছে, কখনো বলছে গরুর মাংস খেও না, কখনো বলছে তুমি এ কাপড় পরো না, মানে বিদাভেদ মানুষের মধ্যে যে বিদাভেদ তৈরি করে দিচ্ছে। কিন্তু ওনারা ভুলে গেছেন কি বাংলার মাটিতে নোংরাম ছড়ানো বহুত মুশকিল, কারণ এই বাংলার মাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাটি, নজরুল ইসলামের মাটি। তাই এই বাংলার মাটিতে যদি কেউ সংঘাতন করার চেষ্টা করে, এখানে শুধু হিন্দু মুসলিম বলে না, প্রত্যেকটা মানুষ, ভারতবাসী মানুষ, বাংলার মানুষ একত্রিতভাবে এর প্রতিবাদ করে। সবসে পেলে এক বাত, আমরা জমহুরি মুল্ক মে রাখতে হ্যাঁ, আর জমহুরিয়ত ইস বাত কে ইজাজত নাহি দেতা কিসি কো ধর্ম কে নাম পে মারা যায় যা ধর্ম কে নাম পে বদনাম কিয়া যায়। इससे पहले ये जो वाकयात आ रहे हैं, हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में भी ये वाकया शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि जब कांकीनारा भाटपाड़ा के इलाके में जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्हें भी राम, जय श्री राम का नाम लेकर के उनको भी जो है इस तरह का आवाज से, इसे कहेंगे चिढ़ाया गया था, यही कहेंगे कि उनको टोन मारा गया था। वो सिर्फ मुसलमान देखकर ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो राम के नाम को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारी जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, क्या वो मुसलमान है? मैं ये पूछता हूँ, क्या वो मुसलमान है? तो फिर उन्हें राम का नाम लेकर क्यों उनको जो है उनके पीछे पीछे लोग दौड़े? ये एक साजिश है, इस साजिश के तहत लोगों के दिलों में डर पैदा किया जा रहा है और खासकर बंगाल की सरजमीन के फुर अमन फिजा को ये नस्तनाबूद करने का एक नाकाम साजिश हो रही है।